सभी को जय श्री कृष्ण। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारी इस एकादशी महात्म्य की कथा यात्रा में। आज हम इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यानी उत्तर भारत के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड अनुसार महाराजा युधिष्ठिर एवं भगवान श्री कृष्ण के मध्य में यह संवाद चल रहा है, जिसमें युधिष्ठिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में अर्थात भादों के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, विशेष करके नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। सुनो राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नामक एक राजकुमार जो माहिष्मतीपुरी के राजा हुए और धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे, उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। वे राजा इंद्रसेन भगवान गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते और विधिपूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहते। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतने में ही देवर्षि नारद वहां पर पधारे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक उनका पूजन किया, आसन पर उन्हें बैठाया और फिर हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल ही है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। हे देवर्षे, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था, वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा करी। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे एक व्रत भंग के दोष से वहां पर आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। तुम्हारे पिता ने कहा है, बेटा इंद्रसेन, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। तब राजा इंद्रसेन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूं। आश्विन मास के वा भादो मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में एकादशी को प्रातः में निर्मल प्रभात होने पर दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। श्लोक है, अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम् मे भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे अपनी शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए
अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और उद्गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। इस विधि से आलस्य रहित होकर राजन तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन राजा इंद्रसेन ने से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों पुत्रों और अपने सेवकों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह इंदिरा व्रत की कथा हमारे पितरों के श्राद्धादि के साथ भी जुड़ी हुई है। अवश्य ही हम इंदिरा का व्रत अनुष्ठान करते हुए हमारे पितरों को और प्रभु को भी प्रसन्न करें। ऐसे ही एकादशी की कथाएं और महात्म्य सुनने हेतु हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण।